वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे थे जो कि पेट एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है। ठीक है, ये पूरा एक साल का करंट अफेयर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये बुक जो है घटना चक्र की आई हुई है एक साल के लिए। देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को 20 जुलाई 2020 से लेकर 20 जुलाई 2021 तक का करंट अफेयर देखने को मिलेगा। देखिए इसमें आप लोगों के जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इससे बाहर आप लोगों के 10 में से 10 आप लोगों के इसी से आ जाएंगे। आप लोग एक बार या दो बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए सारे वीडियो, आप लोग क्योंकि एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये दावा है हमारा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सारा कुछ कवर कर रखा है। यहाँ पर आज हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चर्चित व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, अब हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में आज से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए पहला है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदत्त 30वें जो है राष्ट्रीय वार्षिक सरस्वती सम्मान 2020 के लिए किसे चुना गया है। तो सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है तो वो है शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, ये मराठी उपन्यासकार हैं और कवि और आलोचक हैं। नेक्स्ट है शरण कुमार लिम्बाले, 30वें सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। तो इनकी एक उपन्यास है मराठी उपन्यास, उसका नाम क्या है सनातन। के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है तो व्यास सम्मान से देखिए शरद पगारे को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको व्यास सम्मान जो है किसके लिए दिया जाएगा तो पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया है आशा भोसले जी को। ठीक है, नेक्स्ट है देख लीजिए बेस्ट, देख लीजिए 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का अवार्ड किसने जीता है पुरुष श्रेणी में तो ये इरफान खान ने जीता है। ठीक है, मरणोपरांत उपरांत इनको यह पुरस्कार अंग्रेजी मीडियम इनकी फिल्में उसके लिए दिया गया है। ठीक है, और इसी अवार्ड फंक्शन में जो है और महिला के मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है तो तापसी पन्नू ने जीता है। इन्होंने अपनी फिल्म थप्पड़ के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी इसमें घोषित की गई है। ठीक है, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में तो वो थप्पड़ ही घोषित की गई है। ठीक है, ये तापसी पन्नू की फिल्म है। नेक्स्ट है इस मतलब पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है तो ओम राउत को मिला है। ठीक है, इनकी फिल्म कौन सी है ये तानाजी द अनसंग वॉरियर है। ठीक है, ये अजय देवगन की मूवी है। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में जो है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 22 मार्च 2021 को की गई। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म में सबसे ज़्यादा अनुकूल राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया है। ठीक है, इसके तहत जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है तो मरक्कर अरबिक दालिंते सिम्हन है। ठीक है, मलयालम मूवी है। नेक्स्ट है संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी है तो महारसी है, यह तेलुगु मूवी है। ठीक है, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है आनंदी गोपाल है, यह मराठी मूवी है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म नरगिस दत्त, ये नरगिस दत्त अवार्ड इसको कौन सा मिला है ताजमहल मराठी मूवी है ये। नेक्स्ट है किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी अवार्ड किसे मिला है तो ये हेलेन, ये मलयालम निर्देशक हैं, इनको मुथुकुट्टी जेवियर के लिए मिला है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम बाल फिल्म कौन सी है तो सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कस्तूरी है। ठीक है, ये हिंदी फिल्म है, इसके निर्देशक विनोद कांबले हैं। सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक गायक कौन है पुरुष के रूप में पुरुषों में तो बी प्राग को मिला है या। ठीक है, उनका गाना कौन है तेरी मिट्टी सॉन्ग के लिए मिला। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष और मनोज वाजपेयी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया है। ठीक है, मणिका मरकार जो उनकी क्वीन ऑफ झांसी एवं पंगा फिल्म थी। ठीक है, मणिकर्णिका नाम है इसका। ठीक है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट है श्री लाल शुक्र स्मृति साहित्य सम्मान। ठीक है, 2020 से किसे प्रदान किया गया तो रणेंद्र हिंदी लेखक हैं उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए रणेंद्र द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है तो गंगू रुलाई का कोरस है। ठीक है, और ग्लोबल गांव के देवता, ये दोनों पुस्तकें इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। वर्ष 1995 में भारत सरकार द्वारा स्थापित वार्षिक अवार्ड कौन है तो गांधी शांति पुरस्कार है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट गांधी शांति पुरस्कार 2019 का विजेता कौन है तो स्वर्गीय कबूसबिंद सैद अल सैद को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है, ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे।
बढ़ते नेक्स्ट है, जून 2020 में भारत और चीन संघर्ष में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान गलवान घाटी में शहीद होने वाले भारतीय शहीद होने वाले सैन्य अधिकारी जिन्हें युद्धकाल में दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया, कर्नल भी संतोष बाब हैं। नेक्स्ट है, 25 जनवरी 2021 को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों हेतु घोषित पद्म पुरस्कारों की संख्या 119 है। ठीक है, इसमें से देख लीजिए 7 पद्म विभूषण मिले हैं, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री मिले हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार विजेता में महिलाओं की संख्या कितनी है तो 29 है। ठीक है, 25 जनवरी 2021 को घोषित 2021 के पद्म पुरस्कारों के तहत पद्म विभूषण से सम्मानित जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं, इनको सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है तो सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भंडारी को मिला है। नेक्स्ट है, 16 से 24 जनवरी 2021 को 91वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया गोवा में। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीतने वाले पहली फिल्म इनटू द डार्कनेस किस पर आधारित है तो द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। नेक्स्ट है, 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ताइवान के निर्देशक चेन नियन को मिला है। ठीक है, उनके फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है सिल्वर पिकॉक पुरस्कार किसने जीता है तो तसु चुआन लियू ने जीता है, ये फिल्म इनकी यही है द साइलेंट फॉरेस्ट। ठीक है, इसी जो है 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार किसने तो ये जोफिया स्टॉफिस पोलैंड की हैं, ये उन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार किसने जीता है तो अमीन नाइफे ने जीता है। ठीक है, और इसमें इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी को मिला है। ठीक है, फरवरी 2021 में स्कॉच वर्ष का मुख्यमंत्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया तो YS जगनमोहन रेड्डी को, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य के स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो हरियाणा को। ठीक है, VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है तो ये मानसा वाराणसी द्वारा जीता गया। ठीक है, ये तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ल्यूकोडर्मा के उपचार हेतु, ठीक है, लिकोस्किन नामक औषधि के विकास में योगदान हेतु साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया हेमंत कुमार पांडे को। नेक्स्ट है, 26 से 30 दिसंबर 2020 के मध्य जो है ग्वालियर में आयोजित तानसेन समारोह 2020 में प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया तो पंडित सतीश व्यास को। ठीक है, ये संतूर वादक हैं। नेक्स्ट, तानसेन समारोह के दौरान राजा मान सिंह तोमर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो ये अभिनव कला परिषद भोपाल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, SOCHM एंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड ये किसे दिया गया है तो ये रतन टाटा जी को दिया गया है। नेक्स्ट है, युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार तो ये किसे दिया गया तो ये डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को दिया गया, ये ब्राज़ील से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजकमल झा को उनकी इस पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है तो द सिटी एंड द सी यह उनके उपन्यास है, किसकी है तो राजा कमल झा की है। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, ठीक है, ये किसे दिया गया तो ये सेल को दिया गया, सेल मीन्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। नेक्स्ट है 11-12 नवंबर 2020 के मध्य दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के वितरण समारोह के आयोजन किया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार श्रेणी के प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया तो तमिलनाडु को। ठीक है, देख लीजिए, दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किसको तमिलनाडु को दिया है, द्वितीय महाराष्ट्र, तृतीय में राजस्थान है। नवंबर 2020 में मलयालम के लेखक S.S. हरीश को उनके उपन्यास के लिए मॉस्टेज के लिए प्रदत्त कौन सा पुरस्कार दिया गया है तो द JCB प्राइज ऑफ लिटरेचर 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 के प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जाचरिया को जो है केरल सरकार के इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है तो क्या दिया गया उनको, एजुथाचन पुरस्कार किसे दिया गया तो पॉल
जाचरिया को, ठीक है, और द जे सी बी प्राइज ऑफ लिटरेचर किसे दिए गए, तो डॉक्टर एस हरीश को दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रोफेसर अशोक साहनी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रोफेसर अशोक साहनी को, ठीक है। USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से एस चंद्रशेखरन टाटा समूह के अध्यक्ष हैं ये, इनको दिया गया है, ठीक है। एवं जिम ताइकलेड ये लॉकहीड मार्टिन के CEO एवं अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए, आधिकारिक सांख्यिकी के प्रथम प्रोफेसर PC महानलोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है, तो डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को दिया गया है, तो RBI के पूर्व गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, गांधी पीस फाउंडेशन द्वारा नेपाल, गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया, तो डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। नेक्स्ट है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया 2019 का, तो अक्षितम लंबोदरी को, ठीक है, प्रसिद्ध मलयालम कवि हैं ये। यहाँ से देख लीजिए किनको किनको पद्म पुरस्कार मिला है 2021 में, पद्म पुरस्कार देखिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से घोषणा की गई थी, इसमें से देख लीजिए 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री पुरस्कार हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर पुरस्कार पाने वालों में 29 महिलाएँ, 10 व्यक्ति जो हैं विदेशी NRI या फिर OCI श्रेणी में और 16 मरणोपरांत व्यक्ति हैं, ठीक है, एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति इस प्रकार देख लीजिए यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट है आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। पद्म भूषण से संबंधित सारे तो नहीं याद रखने हैं आप लोगों को, एक बार बस सरसरी निगाहों से आप लोग देख लीजिए। पद्म श्री से देख लीजिए 102 लोग सम्मानित किए गए हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर देख लीजिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा को मिला है और मरियम थंगावेलू ये पैरा एथलीट हैं जो ऊँची कूद करते हैं, ठीक है, और मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती और रानी रामपाल ये हॉकी के प्रदत्त खिलाड़ी हैं। देख लीजिए किनको 5 लोगों को मिला है, ठीक है, रोहित शर्मा, मरियम थंगावेलू, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, दोनों 4 पुरस्कार देख लीजिए किसको किसको मिला है, तो ये जितने भी वो होते हैं कोच वगैरह होते हैं उनको ये सारे पुरस्कार मिलते हैं, देख लीजिए इनमें भी पढ़ लीजिए आप लोग। अर्जुन पुरस्कार देख लीजिए, अर्जुन पुरस्कार से सारे खिलाड़ी सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार से भी देख लीजिए इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ सकते हैं, एक बार ससरी निगाहों से देख लीजिए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ द्वारा जीती गई है, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार देख लीजिए, नवोदित एवं युवा प्रतिभा की पहचान एवं प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट को सम्मानित किया गया है, ये कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है पुरस्कार। यहाँ से अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में यहाँ से देखेंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को अब हम लोग कवर करेंगे, देख लीजिए 16 जून 2021, देखिए यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। UNCCD द्वारा राजस्थान के पर्यावरण संरक्षण संगठन फेमिलियन फॉरेस्टी को सम्मानित किया गया है, तो लैंड ऑफ लाइफ अवार्ड 2021 से, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार कौन है, मेघा राज गोपालन। नेक्स्ट देख लीजिए पुलित्जर पुरस्कार लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स को, ठीक है। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो जिम्बाब्वे के उपन्यासकार नाटककार एवं फिल्म निर्माता तिस्ती डांगा रेम्बा हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित कौन है, फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डिओप हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए टेपल्टन पुरस्कार डॉक्टर जेन गुडाल को दिया गया है, ठीक है। मिस यूनिवर्स, ठीक है, एंड्रिया मेजा ये मेस्को से संबंधित हैं, ठीक है, मिस यूनिवर्स एंड्रिया मेजा, ठीक है। प्रदत्त ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो नो मैन लैंड को मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है इसमें, कुलो झाओ, ये फिल्म कौन सी है, नो मैन लैंड है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं ये, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथोनी हॉपकिंस हैं, इनकी फिल्म क्या है, द फादर। अभिनेत्री के बारे में देख लीजिए, फ्रांसिस मैकडोरमंड हैं, फिल्म क्या है, नो मैन लैंड, ठीक है। 63 वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया गया, ठीक है, लॉस एंजलस में, ठीक है। इसमें प्रमुख पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो एवरीथियन ऑफ वांटेड, ठीक है, बिली इलिश द्वारा गाया गया है। एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो ये फोकलोर को दिया गया है। नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कॉन्ट बीथ, ठीक है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार मेगन थी स्टेलियन को दिया गया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल फेडरेशन फिल्म जो है आइकॉन्स का द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड,
2021 से संबंधित पहले भारतीय कौन है? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है रोम स्थित खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संगठन, सॉरी खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रदत्त एवं थाईलैंड द्वारा प्रायोजित राजा भूमि बोल विश्व मृदा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ICAR भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल को। ठीक है, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में घोषित सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर कौन है? तो नो मैन लैंड है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर कनाडा स्थित हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी को। ठीक है, तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे ये। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 2020 के लिए किस भारतीय को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो विद्युत मोहन को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, तत्कालीन राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से जिन अन्य दो देश के नेताओं को सम्मानित किया है वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं निवेश सम्मेलन अंकटाक द्वारा संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो इन्वेस्ट इंडिया को प्रदान किया गया है। ठीक है, यूनेस्को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करेगा तो शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया कहाँ पर? तो बांग्लादेश में। 21 नवंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लंदन वातायन यूके संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। ठीक है, नेक्स्ट है डगलक स्टुअर्ड वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित उन्हें यह पुरस्कार दिया गया तो उनके पहले उपन्यास सग्गी बेन के लिए। नेक्स्ट है किड्स राइट्स फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया बांग्लादेश के सादत रहमान को। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 2014 एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो पैरासाइट को। ठीक है, इसमें यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से किस भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम इजराइल के गणितज्ञ डॉक्टर साई एवरा को। नेक्स्ट है UNDP द्वारा SDG विशेष मानकी कार्यवाही पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। ठीक है, SDG के संबंध में। नेक्स्ट देख लीजिए स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया? जापान के हिरोकी मत्सुहाशी और ताजुमा मियानी को। यहाँ पर देख लीजिए नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नोबेल पुरस्कार ये सारे यहाँ पर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके पश्चात चर्चित स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।